नमस्कार दोस्तों, ई ज्ञान के सीजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विकास। दोस्तों, हमें दूध की कीमत तब तक नहीं मिलती जब तक उसमें एक अच्छे फैट की मात्रा न हो। तो फैट और SNF को बढ़ाने के लिए दोस्तों, हमें सबसे पहले जो है अपने गाय भैंस को एक संतुलित पशु आहार देना चाहिए और साथ में उसके जो है दोस्तों उसमें मिनरल मिक्सचर ऐड करना चाहिए। प्रति पशु हमें 50 ग्राम जो है कम से कम मिनरल मिक्सचर तो ऐड करना ही चाहिए। लेकिन इन सबको देने के बावजूद दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे गाय भैंस के दूध में अच्छे तरीके से फैट नहीं आ पाता। तो उसके लिए दोस्तों हमें एक उपाय की ज़रूरत है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हम उसे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों हमको लेना है 100 ग्राम की मात्रा कैल्शियम पाउडर की। आप किसी भी कंपनी का कैल्शियम पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहाँ से जा कर के खरीद सकते हैं। तो 100 ग्राम हमको कैल्शियम पाउडर लेना है दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी गाय और भैंस के दूध में SNF और फैट को बढ़ाने के लिए। और अगला जो लेना है दोस्तों, हमको लेना है काला नमक। 50 ग्राम काला नमक लेना है दोस्तों। यहाँ पर हमें सेंधा नमक नहीं लेना है दोस्तों। काला नमक और सेंधा नमक में फ़र्क होता है। यहाँ पर हमें केवल और केवल काला नमक ही इस्तेमाल करना है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। उसके बाद हमें लेना है दोस्तों गुड़। हमको गुड़ 100 ग्राम लेना है दोस्तों। गुड़ जो है दोस्तों स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ में जो है इसको मिलाने से पशु जो है आसानी से जो भी हम सामग्री खिलाएंगे उसे खा लेता है, इसलिए गुड़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसके बाद हमें लेना है दोस्तों सरसों का तेल। लगभग 200 मिलीलीटर सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल भी फैट और दूध को बढ़ाने में सहायक होता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी हमें जो है सरसों का तेल इस्तेमाल करना है लगभग 200 मिलीलीटर के आसपास। इसके बाद हमें लेना है दोस्तों यहाँ पर चोकर, या फिर हम आटा भी ले सकते हैं। कई किसान भाई चोकर क्या है ऐसा बोलते हैं, कई जगह समझ नहीं आता है। तो आप जो है यहाँ पर गेहूँ के आटे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूँ का आटा हमको लगभग आधा किलो लेना है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, साथ ही ऑल को दबाएं ताकि सभी जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब हम सभी सामग्रियों को मिलाएंगे। सबसे पहले कैल्शियम पाउडर को, उसके बाद हमें लेना है काला नमक। 50 ग्राम जो काला नमक हमने लिया है उसे भी डाल देना है। और इसके बाद जो है हमको डालना है दोस्तों 100 ग्राम का गुड़। गुड़ को जितना बारीक आप पीस सकते हैं पीस लेना है दोस्तों। और उसके बाद जो है हमें लेना है सरसों का तेल। 200 मिलीलीटर सरसों के तेल को भी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो सरसों के तेल को डालने के बाद दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर हमने 4 चीज़ें मिलाई हैं और इससे हमारी जो सामग्री वो तैयार हो गई है दोस्तों। इसके ऊपर में जो है चोकर या फिर गेहूं का आटा डाल देंगे। तो दोस्तों ये जो मिश्रण तैयार हो गया है, अब इसे जो है हमें पशु को जो है शाम के समय जब पशु का दूध निकाल लें उसके बाद हमें खिला देना है। और हफ्ते में लगभग जो है 2 से 3 बार इसे देना है दोस्तों, जिससे जो है दूध में जो है आसानी से फैट की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज के वीडियो में। और जो किसान भाई हमारे इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें इस प्रकार की जानकारियाँ और मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।